नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपको क्या लगता है CAA पर हिंसा फैलाने में किसका हाथ है, हमें कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय दें। बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ था और इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के लोग ही PFI में थे जिन्होंने यूपी में हिंसा फैलाई। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की तरफ से संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और सरकार की ओर से प्रस्ताव लाकर इसे प्रतिबंधित किया जाएगा। उनसे पहले DGP OP सिंह ने PFI पर बैन लगाने की सिफारिश की है। इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून पर प्रदेश भर में हिंसा में शामिल होने के सबूतों के बाद DGP मुख्यालय ने PFI पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश गृह विभाग को भेज दिया है। गृह विभाग अब इसे केंद्र को भेजेगा। बता दें कि DGP मुख्यालय ने अपनी सिफारिश में PFI के बारे में लिखा है कि इसमें इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी SIMI के ज्यादातर सदस्य जुड़ गए हैं। इन संगठनों के लोगों के पास से पूरे राज्य में आपत्तिजनक साहित्य और सामग्री बरामद की गई है।